लगा था मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ खास नहीं करने वाला हूँ, तो भाई यूट्यूबर्स कर सकते हैं, मैं क्यों पीछे रहूँगा भाई। सो हेलो, वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो गाइस। आज इस गेम प्ले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे हैक्स इंडिपेंडेंस डे के लिए जो कि ज़्यादातर तो रॉकेट से बनने हैं, और लास्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बना सकते हैं इंडिया का फ्लैग इन माइनक्राफ्ट। और ये जो सेटअप दिख रहा है इसका मैं लास्ट में रिवील करूँगी किस लिए। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने क्राफ्टिंग टेबल पे आना है, और फिर पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस इंडिया का फ्लैग, ये मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्राफ्टिंग टेबल का आना है, देन यहाँ पे आपको रखना है गन पाउडर, यहाँ पे आपको रखनी है वाइट डाई, तो यहाँ पे वाइट डाई, यहाँ पे ऑरेंज डाई, और यहाँ पे लाइम डाई। इसके बाद आपको इससे फायरवर्क स्टार बना लेने हैं। सारे फायरवर्क स्टार बनाने के बाद आपको यहाँ पे रखने हैं दो गन पाउडर और एक पेपर। अभी मैं ड्यूरेशन 2 का इसलिए बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा ऊपर जाए। 2 मिनट। तो अभी मैंने एक स्टैक रॉकेट निकाल लिया है, ये है ये रॉकेट का काम। आप देख सकते हैं इसमें इंडिया के झंडे के सारे कलर्स हैं, हाँ मैंने ब्लू नहीं डाला, तो आप देख सकते हैं कितना तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ तो रह रही है, इसे डालो यहाँ और इसे निकालो बाहर। तो ये क्या है ये मैं अभी बताता हूँ। तो इस वाले रॉकेट को बनाने के लिए भी आपको सेम चीज़ें करनी है, बस आपको इसके साथ में रख देना एक फायर चार्ज और वही सारी डाइस रख देनी है, वाइट डाई इधर, ऑरेंज डाई इधर, लाइम डाई इधर। अब इससे जो फायरवर्क स्टार मिलेंगे वो आपको ले लेने हैं। तो ये है इसके रॉकेट, और अभी देखो इसका कमाल, तो आप देख सकते हैं पिछले वाले से कितना बड़ा है ना ये। अच्छा अब अगले वाले की तरफ चलते हैं। उस वाले को मैं पहले दिखाई देता हूँ। तो ये था स्टार शेप, आप देख सकते हैं स्टार शेप में फटता है। इसको बनाने के लिए भी आपको सेम चीज़ चाहिए, बट साथ में आपको फेदर रखना है टू लाइक दिस, और उसके बाद आपको वही डाई डाल देनी है, वाइट डाई, ऑरेंज डाई, लाइम डाई। इसके बाद आपको इससे फायरवर्क स्टार निकाल लेना है, हो गया काम। एक्चुअली गाइस आपको फेदर नहीं, आपको यहाँ पे रखना था ये क्या कहते हैं गोल्ड नगेट। अब इस सॉकेट को आप क्रिसमस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अगले वाले का मैं पहले रेसिपी बताऊँगा, सेम रेसिपी है गाइस, सेम रेसिपी। बस तो आपको अब की बार रख देनी है यहाँ पे ग्लो स्टोन डस्ट, और सारा सामान डाल देना है, वाइट डाई, ऑरेंज डाई, लेम डाई। इसके बाद आपको बन जाएगा ये। अब इसको फिर गोंदा फाते सामान कुछ भी। अब जैसे ही आप इसे फोड़ोगे अब बूम, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्प्रिंकलर आ रहा है, फटने के बाद भी दूर तक स्प्रिंकल होता रहता है। इस वाले की रेसिपी मैंने आपको बता ही दिया, बस आपको फर्दर डाल देना है, यहाँ पे फायर चार्ज वगैरह डालते हो वहाँ पर आपको फैदर डाल देना है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमें कुछ तक जाएगा। अब अगला आता है हमारा ये गैस, इसको बनाना आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। जी हाँ गैस, क्योंकि इसके लिए आपको गेम के एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ इसमें डालनी है, जिस चीज़ का नाम है डायमंड। जी हाँ गाइस, आपको इसमें डायमंड डालना पड़ेगा, और डायमंड डालने के बाद कुछ नहीं करना है, जो फाइव वर्क स्टार मिलेगा उससे फाइव वर्क्स बना लेना है, एंड बूम। आप देख सकते हैं कितना सही है। लास्ट वाला बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको रखना है क्रीपर का हेड। अगर आप पे क्रीपर का हेड नहीं है आप कोई भी मॉब हेड लगा सकते हैं, हर मॉब हेड से क्रीपर का हेड ही बनता है।
बस इससे जो आपको फायर वर्क स्टार मिलेगा वो दे देना है। हाँ, उसके फायर वर्क्स बना के हवा में शूट करना है उनको। आप देख सकते हैं क्रीपर की शेप में है। गाइस, अब मैं आपको बताना हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं ये फ्लैग। तो फ्लैग बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक लूम चाहिए और आपको क्या क्या सामान चाहिए वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। आपको डाइस चाहिए ऑब्वियसली, ये वाली डाइस, बट ब्लू आपको ये वाला ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ले लेना है एक वाइट वाला बैनर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रखना है इसको, देन इसको, उसके बाद आपको ये वाला शेप लेना है। आपको ये सारे काम एक ही पे करने हैं, इसलिए ध्यान रखना कि एक ही पे सारे काम करना। आपको इस पर लगा देना है अभी ये वाला, अभी डाई चेंज करनी है, देन ये वाला, इसके बाद इसे यहाँ पर लगाया एंड ब्लू डाई और इस पर लगा दिया। ये बन चुका है हमारा इंडियन फ्लैग, तो देख ही सकते हो। सो अभी मेन चीज, एंड सो गाइस रेडी गो। जय भारत।